हाजिर मंडियों में चने की कीमतें एमएसपी से ऊपर ही देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में चने की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। चने की एमएसपी पहले 5100 रुपए प्रति क्विंटल थी। सरकार ने साल 2022-23 के सीजन के लिए चने की एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है और अब चने की एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसानों और व्यापारियों को उम्मीद है कि चने की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। चने की कीमतों को अभी त्योहारी मांग का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे त्योहार पास आते आते चने की कीमतों में कुछ खरीदारी भी निकल सकती है। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक मानसून में अचानक से एक रिकवरी देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि दालों की बुआई भी इस साल अच्छी हुई है और जो अगली पैदावार होगी वो भी अच्छी ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब संकेतों के चलते दालों की कीमतों पर एक बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। दालों की कीमतों पर दबाव बनने से कहीं ना कहीं चने की कीमतों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं 2020-21 में चने का उत्पादन 119.9 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अनुज गुप्ता के मुताबिक चने की कीमतें नीचे में 5000 तक जा सकती हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।